कारनामे आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे। इधर से आप देख सकते हैं लाखों लीटर पानी आ रहा है बाखड़ा बांध से, और यहाँ पर ये कहाँ पे जा रहा है जमीन के अंदर, ये देखिए कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे गायब हो रहा है। देखो इधर कोई पानी नहीं आ रहा, ये देखिए इधर बिल्कुल गायब है ना, बिल्कुल गायब। अब आप बोलोगे कि ये पानी कौन सा आ रहा है भाई, ये आ रहा है शिवालिक की पहाड़ियों से ऊपर से, ये वो वाला पानी है। और अब आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर है कितना पुराना, ये स्ट्रक्चर ही मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी पुरानी कारनामे है ये जो कर रखे हैं, जो कहते हैं ना कि ये देखो 70 साल पुराना है स्ट्रक्चर, ये देखिए 1964 का बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये देखिए 1964 में ऐसा मार्वल बना है। और मैं आपको पुल दिखाना चाहूंगा, ये पुल देखें आप यहाँ पे कितना पुराना है, और आज भी चालू कंडीशन में है, ट्रक इससे गुजरते हैं, देखिए कितना पुराना है। और यहाँ पर इतना पानी आता है ना, अभी 2-3 दिन बारिश हुई है, इतना फ्लड आया, इतना फ्लड, फिर भी ये आसानी से संभाल रहा है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जादू है क्या, ये पानी यहाँ से घुसता है, यहाँ से घुसता है और कहाँ निकलता है, ये वहां पे निकलता है। ये नहर की पासिंग है और ये नदी की पासिंग है, दोनों का जो काम है पानी का, मान के चलो एक साइड से दूसरी जगह निकल जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कितनी गंदगी है नदी के अंदर, क्योंकि इसके आसपास इतनी फैक्ट्रियां बना दी गई हैं कि प्रदूषण इतना ज्यादा है। देखिए कितनी ज्यादा झाग है, कितनी ज्यादा गंदगी है। अब तो बारिश हुई है इसलिए इतना थोड़ा ठीक ठाक आपको पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, नहीं इतना पोल्यूशन होता है कि आप देख नहीं सकते, इतनी स्मेल मारती है यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक, ये जो हमने आपको पानी दिखाया अभी, ये कारनामा होता कैसे है उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा ये जो नहर है जो उधर से नीचे गई थी और इधर के तरफ ये निकलती है, ये मार्वल्स बनाए गए थे, मान के चलो जब भारत में हरित क्रांति की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, और पानी को पूरे उत्तर भारत में फैलाना था ताकि फसलें पैदा की जा सके। और ऐसी सी मान के चलो नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी कुछ रह गए हैं, पार्टीशन के बाद अंग्रेजों के टाइम से ये काम स्टार्ट हो गया था। और दिखाना चाहूंगा मैं आपको जो उधर से पानी अंदर घुसा था और कितना साफ स्वच्छ पानी, आप देखिए ये इधर से निकलता है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं, ये दूसरी तरफ जाके आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये देखिए कितना प्यारा निकल रहा है, एक तरफ ये 70 साल पुराना स्ट्रक्चर है जो कि आज भी शुद्ध पानी दे रहा है, और देखिए आज भी गाड़ियां इससे निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी ये 70 साल पुराने पुल वगैरह बनाए हुए आज भी चल रहे हैं। लेकिन ये आज की स्थिति है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गंदी नदियां हैं जो इनमें इतना सारा पोल्यूशन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी स्पेशल मेंशन किया गया है 1964 में, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, देखिए आज भी कितना बखूबी काम कर रहा है। और इससे भारत की लाखों खेतों में जाके फसलों को लहलहा रहा है, और देखा ना कमाल का स्ट्रक्चर, कमाल का इंजीनियरिंग, ऐसी इंजीनियरिंग आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलती है, और बहुत ही सुंदर दृश्य। पानी देखिए कितना स्वच्छ है, बिल्कुल नीला पानी है। और यहाँ से जो बाखड़ा बांध है वो कम से कम भी 100-120 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि ये पानी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, और आज भी ये पुल वगैरह काम में है, और आगे मेरे को लग रहा है अभी ये 70-80 साल तक इनको कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, और ऐसी इंजीनियरिंग बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं बात करूं एड्रेस की, तो घनौर में पड़ता है ये, जिला पटियाला है, पंजाब के अंदर है। और अभी आप ये शुद्ध पानी देख रहे थे ना, अभी आपको मैं जहर दिखाता हूँ, ये देखिए जहर, ये देखिए पूरा जहर है, ये हमारे आज की नदियां हैं। और जो आपको 70 साल पुराना स्ट्रक्चर दिखाया था जो कि इतना शुद्ध पानी आज भी मेंटेन कर रहा है, और आपको वीडियो में स्मेल नहीं देखने को मिलती, सुनने को नहीं मिलती, नहीं मैं आपको यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है इस पानी से, आपको बता भी नहीं सकता। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर अच्छी नीयत से कुछ काम किए जाएं तो वो लंबे समय तक हमारी पुश्तों तक बचा के रख सकते हैं, उसका ये एक कमाल की इंजीनियरिंग मैं आपको दिखाई। और ये देखिए गाड़ियां आज भी इस रोडों से आज भी निरंतर गुजरती हैं, क्या कमाल की इंजीनियरिंग थी भारत में, जो कहते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी है ही नहीं थी पहले, कुछ भी नहीं था, ये था वो था। लेकिन आप ये देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये पानी इधर से घुसता है और उधर से निकलता है। और दूसरी बड़ी बात कि जो आज भी जो नदी मेंटेन हो रही है बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल। जो भाई कोलकाता से देख रहे हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर करें। अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगी है, अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है, अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी इंजीनियरिंग है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको भी कवर करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये पानी यहाँ से घुसता है और इसमें भी लोग बाज नहीं आते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, फूल मालाएं, ये सब मत कीजिए। नदी को स्वच्छ रहने दें। आपकी माना, आपकी वो क्या कहते हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ थोड़ा सा हमारी नदियों का ध्यान जरूर रखें। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य, जब तक ऐसे दृश्य हमें दिखते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अगर ये दृश्य आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा है। अगर आपके आसपास भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं तो बिल्कुल हमें बताएं। अगर आप कोई इंजीनियरिंग हमें बताना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल वगैरह डाले गए हैं, देखिए कितना शुद्ध पानी है और पानी के अंदर देखिए फूल वगैरह डाल दिए, ये गंदगी का रूप ले लेते हैं। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। बाय मित्रों जी।